हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफरोज़ कुरैशी, तो आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ मुहर्रम में बनने वाले चटपटे चने की रेसिपी, जो मीठे के साथ में अक्सर ये चने बनाए जाते हैं। तो चनों को मैंने रात भर पानी में भिगा के रख दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर और छन्नी में निकाल लिया है। कुकर के अंदर हमको सारे चने डाल देना है। दो गिलास पानी डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी डाल देना है, नमक अपने हिसाब से डालना है, ताकि हमको मसाले में भी नमक डालना है तो अपने हिसाब से डालना है। एक आलू है जिसको अच्छे तरीके से धोकर हमने चनों के साथ में उबलने के लिए रख दिया है। फास्ट सीटी लगानी है, स्लो आंच पे। फास्ट सीटी हो चुकी है और माशाल्लाह से चना बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम आलू निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल देना है, एक चम्मच जीरा डालना है, एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई डाल देना है और अच्छे तरीके से हल्का ब्राउन कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हो आप, ये प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है और अच्छे तरीके से भून दिया है। दो टमाटर मीडियम साइज़ के डालकर इनको भी अच्छे तरीके से भून लेना है, यानी पका लेना है। कश्मीरी लाल मिर्ची आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची तीखी और डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, ये सब भी मसालों डाल के भून लेना है। गाइस, आप देख सकते हो मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून गए और हमको थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला रखना है, क्योंकि चनों के साथ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे चने थे वो भी डाल दिए इन मसालों के अंदर और इनको मिला लिए। चने का जो पानी था वो भी हमने इनके साथ में डाल दिया है। नमक अपने हिसाब से डाल देना है और ये छोले मसाला है, ये भी डाल देना है। अगर आपके पास छोले मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। जो आलू हमने बॉईल किया था इनको हाथों से मैश करके वो एक आलू भी डाल देना है और अच्छे तरीके से मिला लेना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर बनाएं मुहर्रम में। हरी मिर्ची बारीक काट के डाल देना है, हरा धनिया डाल देना है, और मिला लेना है। हमको हरा धनिया और भी लगेगा आगे, लेकिन इसको डाल के मिला लेना है। हरा धनिया डाल के एक नींबू का रस, डाल देना है और ढककर पका लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं चने बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गए। और आप इसी तरीके से छोटी छोटी कटोरियों में हम मीठे के साथ में दें, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा बनता है ये चना। ऊपर से नींबू, हरा धनिया और माशाल्लाह से चम्मच के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये तीखे मीठे चनों की रेसिपी अच्छी लगती है मुहर्रम में बनाने वाले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए।